साथियों, हमारे देश में राजनीतिक गठबंधनों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस ने 90 के दशक में देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने सरकारें बनाई, सरकारें बिगाड़ी। इसी दौर में 1998 में एनडीए का गठन हुआ था। लेकिन एनडीए क्यों बना? क्या तब सिर्फ सरकार बनाना या सत्ता हासिल करना ही एनडीए का लक्ष्य था? आप भी जानते हैं ऐसा नहीं था। एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था। एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था, बल्कि एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। और जब देश में स्थिर सरकार होती है तो देश वो फैसले करता है जो कालजयी होते हैं, देश की दिशा बदलने वाले होते हैं। ये हमने अटल जी के कार्यकाल के दौरान भी देखा और ये पिछले 9 वर्षों में भी हम बार बार देख रहे हैं। भारत में स्थिर और मजबूत सरकार होने से आज पूरे विश्व का भारत पर भरोसा बढ़ा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।